नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, उसके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग 49 टेस्ट आपके पहले भी खत्म कर चुके हैं। ये आपका 50वां टेस्ट है। तो 50वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। सही है। राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। ये आपका गलत है। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। ये आपका सही है। तो एक और तीन इसमें कथन सही है, दूसरा गलत है। आप लोग हमेशा ध्यान लगाकर बड़े मन से इस कथन को जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पूछा है। सही है। तो एक और तीन सही। अगर पूछता नहीं सही नहीं है, तो केवल आपका दूसरा कथन सही नहीं होता। तो इसमें कौन कौन सही है? एक और दो। एक और तीन, सॉरी, दूसरा गलत है आपका। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अपूर्ण बहुमत की स्थिति में राष्ट्रपति यह निर्णय लेने में किसी पूर्ण बहुमत हेतु समर्थन प्राप्त हो सकता है अथवा सरकार का गठन कर उसे चला सकता है कि मामले में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। और एक बात और याद रखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद में तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति के अन्य कार्यों की बात करें हम लोग, तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्तियों से प्रयोग किन किन मामलों में करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, शक्तियां होती हैं, जिसे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका एक और तीन कथन सही था। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुंदरवन, मैंगो, बनगंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। सही है। यह क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सही है। यह कई दुर्बल और वैश्विक स्तर पर संकट ग्रस्त वन्य जीवों की प्रजातियों जैसे कि प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रेडलिक कछुओं का आवास है। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर दो में आपके तीनों कथन सही है। क्या है? तीनों कथन सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। वह संसद का अंग नहीं है। ये आपका गलत है। 11वें संविधान संशोधन में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान को हटा दिया गया है। ये आपका सही है। एक और तीन कथन तीसरे में सही है, दूसरा आपका गलत है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का अंग होता है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में वह संसद का अंग होता है।
इस प्रकार उसकी दोहरी भूमिका होती है और दो अलग अलग और पृथक पद धारण करता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक और तीन यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। भारत में राज्य के राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है हमें। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1989 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राज्य के राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त स्थिति जन विवेकाधीन शक्तियों के अलावा राज्यपाल को निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, राष्ट्रपति में राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोस के केंद्र शासित राज्यों में अतिरिक्त व्यवहार की स्थिति में प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजाति जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। हालांकि 5 वर्ष पहले यह कार्यालय राष्ट्रपति के पिसात पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रख सकता है। पिसात पर्यंत का मतलब यही होता है, राष्ट्रपति पर निर्भर रहता है। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर किसी भी समय सेवानिवृत्त भी हो सकता है राज्यपाल। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पिसात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। सही है। प्रधानमंत्री के त्याग पद से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। यह भी आपका सही। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद भंग करने की अनुशंसा करता है। गलत है। एक और दो सही है, तीसरा आपका गलत है। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। इस क्षमता से वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह संसद के सदनों को आहूत और सत्यावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को विघटित करने का की सिफारिश कर सकता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को केवल लोकसभा को विघटित करने का की सिफारिश कर सकता है, ना कि संसद को, क्योंकि संसद में आपका राज्यसभा भी सम्मिलित है और राज्यसभा आपको पता होना चाहिए एक स्थायी इसका अंग है। क्या है? स्थायी अंग है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा गलत है। बात करते हैं 6वें क्वेश्चन। क्या है छठवा? उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ कूदम शिखर अवस्थित है। तो यह आपका केरल में। ए ऑप्शन सही है। अगस्त्यारकूदम की चोटी की ऊंचाई 1868 मीटर है। यह केरल राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 2695 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना है इसको, जो आपकी अनाईमुड़ी है ये पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार पूछ लेता है परीक्षाओं में। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय समिति का उल्लेख नहीं है। सही है। हाल ही में सरकार ने रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। सही है। सभी मंत्रिमंडलीय समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री द्वारा
किया जाता है। ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा आपका गलत है। संसदीय मामलों और आवास पर मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता गृह मंत्रियों द्वारा, किस द्वारा? होम मिनिस्टर द्वारा। और शेष जो आपकी 6 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्ष 2019 में सरकार ने 6 मंत्रिमंडलीय समिति का पुनर्गठन किया था, जबकि 2 नई समितियों का गठन किया था। कौन कौन सी है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, और जो 2 नई समितियाँ थीं, निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक और दो कथन सही था, यानी कि ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 8वां, क्या है? मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। यह निकाय सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सही है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक कथन गलत है, 2 और 3 सही है। लेकिन फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था इसमें, आप लोग इस कथन पर बड़ी अच्छे से नज़र डाल लिया करिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो इसमें आपका एक कथन सही नहीं है। अगर पूछता सही है तो 2 और 3 कथन सही था। तो जो एक आपका गलत है इसमें क्या होगा सही? अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री शायद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका केवल एक कथन गलत था, 2 और 3 सही थे। क्वेश्चन है हमारा 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक प्रकार लघुकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह आपका दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, सी ऑप्शन सही है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन शक्तियों को क्षमा करने की शक्ति देता है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हों: संघीय विधि के विरोध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तो भी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं: परिहार, परिहार का मतलब होता है सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना बिना किसी सजा की अवधि को कम करना। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, यह आपका परिहार कहलाता है। क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और अपराधी को सभी दंड, दंडादेशों, निहर्ताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है क्षमा के तहत। लघुकरण की बात करें तो इसका अर्थ होता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, उदाहरण के लिए मौत की सजा को कठोर कारावास में परिवर्तन करना, जिसे हम लोग साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। विराम का अर्थ होता है कि किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं को गर्भावस्था के कारण कम करना। प्रविलंबन, इसका अर्थ होता है किसी दंड विशेषकर मृत्यु दंड का अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य होता है कि दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, ठीक है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये सूखाग्रस्त वर्षा संचित क्षेत्रों में अच्छी तरह से वृद्धि करता है, सही है। ये ग्लूटन सामग्री में समृद्ध होते हैं, गलत है। सेलिएक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसका सेवन लाभकारी होता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 1 और 3 कथन सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। दूसरे में सही क्या होगा, अधिकांश मोटे अनाज जो आपके हैं ये अत्यधिक पौष्टिक, ग्लूटन रहित और गैर अम्लीय और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 1 और 3 कथन सही था। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन, मंत्रिमंडल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, बिल्कुल गलत है। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है, सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में संघ का मंत्रिमंडल शब्द शामिल किया गया था, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका 2 और 3 कथन सही है, 1 आपका गलत है। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट की को परिभाषित किया गया है कि यह प्रधानमंत्री और अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त अन्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों से मिलकर निर्मित परिषद है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है आपका, ठीक है। तो इसमें आपका 11 में कथन 2 और 3 सही था, यानी कि डी ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन, आबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका पंजाब में। पंजाब के आपके फजिलका जिले में अवस्थित है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरुआत करती है, सही है। इसमें अंतरपीढ़ी समता की अवधारणा का उल्लेख है, सही है। यह नीति तटीय जलमार्गों के उपयोग पर जोर देती है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके 3 कथन सही है, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 14 क्वेश्चन, समाचारों में देखा गया उन्नति कार्यक्रम संबंधित है आपका नैनो सैटेलाइट विकास से, सी ऑप्शन सही होगा। 14 में आपका सी सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा यूनिस्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह यूनेस्को द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, गलत है। यह 15 वर्षीय छात्रों के पढ़ने, गणित और विज्ञान की साक्षरता का आकलन करने के लिए बनाया गया है, दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD द्वारा समन्वित अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक सांख्यिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा वित्तीय 3 वर्ष की अवधि पर आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन पहली बार 2000 में किया गया था, तो इसमें आपका केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा आयोजित किया गया था, गलत है। यह केवल शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए श्रम बाजार संबंधी विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों के त्रिमासिक परिवर्तन का मापन करता है, यह आपका सही है। 2/3 से अधिक ग्रामीण महिला
महिलाएं कृषि क्षेत्र में संलग्न है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका 2 और 3 सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। पहला कथन में सही होगा आपका, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। किसके? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका सी होगा, 2 और 3। बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय का के कार्य है? मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। मंत्रिमंडल को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। क्या है? तीसरा गलत है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है, यह कार्य आपका वित्त मंत्रालय द्वारा बजट आवंटन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सी था, 1 और 2 कथन सही था। बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला, सही बात है, ये रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, गलत है। नीलम संजीव रेड्डी, ये भी गलत है। शंकर दयाल शर्मा, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। मोहम्मद हिदायतुल्ला 1968 से 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे, जो 1979 से 1984 तक भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति के रूप में पद पर रहे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो वर्ष 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। जाकिर हुसैन के बाद भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यालय की अवधि के दौरान हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कभी नहीं किया है। फिर है आपकी नीलम संजीव रेड्डी वर्ष 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। फिर आपके शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 से 1957 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति 1987 से 1992 के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। तो इसमें आपका 1 और 4 सही था, यानी कि बी ऑप्शन सही था। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के राजपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, सही है। किसी राज्य के राजपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यालय राज्यों के राज्यपाल के लिए कुछ उन्मुक्तियों का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यालय के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 158 में कहा गया है कि राज्यपाल के पद और भत्ते उसके कार्यालय के द्वारा कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका बी सी ऑप्शन सही था, यानी कि दोनों सही ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही चुनना है। तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लिखित उल्लिखित किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु सातवें संविधान 1900 जो सातवां आपका संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, और अनुच्छेद 239 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल द्वारा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सी था। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखते रहेंगे। ठीक है।